दिस इज माई पर्सनल थॉट अबाउट क्रिकेट एंड ये वीडियो पूरा मेरा पर्सनल थॉट के ऊपर ही है। तो हे गाइस, नॉर्मल पीपल जो है ना वो ओनली क्रिकेट को देखते हैं, बट एक क्रिकेट फैन जो है प्रो क्रिकेट को देखने से ज्यादा उसको ऑब्जर्व करता है। रिसेंट टाइम्स में मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जो शायद आपको जानना चाहिए। देखो अभी के टाइम में ना नंबर वन जो T20 टीम है वो है इंडिया एंड सेकेंड नंबर की जो बेस्ट T20 टीम है वो है इंग्लैंड। बस पिछले ईयर 2020 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था, 2021 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था, 2021 वर्ल्ड कप में अगेन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था, 2022 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, 2022 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था, 2022 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, अगेन 2022 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को हराया था, अगेन 2021 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को हराया था, अगेन 2022 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया था, अगेन 2022 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने आयरलैंड को हराया था, अगेन 2022 की बायलेटरल सीरीज में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया था, अगेन 2022 एक और बायलेटरल सीरीज में यूएई ने अफगानिस्तान को हराया था, 2022 की एक और बायलेटरल सीरीज में नामीबिया ने यूएई को हराया था, अगेन 2022 में स्कॉटलैंड ने नामीबिया को हराया था, अगेन 2022 में नेपाल ने स्कॉटलैंड को हराया था, अगेन 2021 में नेदरलैंड्स ने नेपाल को हराया था, अगेन 2021 में ओमान ने नेदरलैंड्स को हराया था, अगेन 2022 में कनाडा ने ओमान को हराया था, अगेन 2021 में यूएसए ने कनाडा को हराया था, अगेन 2022 में पीएनजी यूएसए को हराया था, अगेन 2022 में हांगकांग ने पीएनजी को हराया था, अगेन 2020 में सिंगापुर ने हांगकांग को हराया था, अगेन 2022 में जर्सी ने सिंगापुर को हराया था एंड अगेन 2020 में कतर ने जर्सी को हराया था। अरे बात कर भाई, अगर मैं इस लिस्ट को लंबा करूँ ना तो बहुत ज्यादा लंबा होगा, बट मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक और लिस्ट के बारे में बताऊंगा इसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। देखो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को देखोगे ना, इन दिस केस मैंने फुटबॉल को ही इस वीडियो में रखा है, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को देखोगे ना तो आपको देखने को मिलता है जो टॉप की जो टीम्स हैं वो हमेशा ही डोमिनेट करते हैं। मतलब किसी भी स्पोर्ट्स को आपको देख लो, जो टॉप की टीम्स है, जो टॉप की 10 टीम्स है वो हमेशा डोमिनेट करेगा। जैसे फुटबॉल में अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप की विनर्स को भी हम देखें ना, तो देखो अर्जेंटीना ने 2022, 1986 एंड 1978 तीन टाइम जीता है, फ्रांस ने दो टाइम 2018 एंड 1998, जर्मनी ने फोर टाइम्स 2014, 1990, 1974 एंड 1954, स्पेन ने एक बार 2010, इटली ने चार बार 2006, 1982, 1938 एंड 1934, ब्राजील ने पांच बार 2002, 1994, 1970, 1962 एंड 1958, इंग्लैंड ने 1966 में जीता था एंड उरुग्वे ने 1950 एंड 1930 में जीता था। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अभी तक 22 एडिशन हो चुका है फुटबॉल वर्ल्ड कप की एंड 22 एडिशन में ना हमने अभी तक 8 टीम्स को ही देखा है जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। मतलब मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी स्पोर्ट्स को आप देख लो ना, टॉप की टीम से जिसके टॉप 5 टॉप 10 टीम ना वो ही हमेशा डोमिनेट करेगा, ये हर स्पोर्ट्स में ही है। अगर सेम चीज आप क्रिकेट में भी देखोगे ना, सेम रूल अप्लाई करके क्रिकेट में भी देखोगे ना, तो क्रिकेट में अभी तक 12 एडिशन ही हुआ है एंड क्रिकेट फुटबॉल वर्ल्ड कप की 45 ईयर्स के बाद जाके स्टार्ट हुआ था ईयर 1975 में, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 1975 एंड 1979 दो वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया ने 1983 एंड 2011, ऑस्ट्रेलिया ने पांच बार जीता है 1987, 1999, 2003, 2007 एंड 2015, पाकिस्तान ने 1992, श्रीलंका ने 1996 एंड इंग्लैंड ने 2019 को वर्ल्ड कप जीता था। अगर आप क्रिकेट में भी देखो ना तो सेम ही चीज आपको देखने को मिलता है कि क्रिकेट में भी आज के टाइम बहुत सारी टीम्स को खेलते हैं, बट सिक्स टीम्स को ही मौका मिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए। देखो फुटबॉल एक वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट है एंड अराउंड 200 से ज्यादा कंट्री खेलते हैं, इसके बाद भी फुटबॉल में ओनली 8 टीम्स ही है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया है एंड क्रिकेट में भी देखो 100 एंड ज्यादा कंट्री को खेलते हैं क्रिकेट, बट इसके बाद ओनली 6 नेशन ने लिफ्ट किया है। तो मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स में जो टॉप की टीम्स है ना वो हमेशा डोमिनेट करेगा, नीचे की टीम्स थोड़ा मतलब वो स्ट्रगल करेगा ही, ये कन्फर्म है। एंड जो मैंने अपना फर्स्ट लिस्ट बताया ना, जिसको इसने हराया था, इसको इसने हराया था, मैं आपको क्लियरली एक ही बात इंडिकेट करना चाहता हूँ कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता किसी भी स्पोर्ट्स में जो नीचे की टीम्स है, जो 30 रैंक्स 40 रैंक्स की टीम है वो कभी भी वन नंबर की टीम है ना, रैंक टीम, उसको कभी भी हरा नहीं पाएगा। ऑब्वियसली आप इस बात से डिसएग्री हो सकते हो क्योंकि पिछले साल हमने कितना ज्यादा अपसेट देखा था एंड सऊदी अरेबिया जो 50 रैंक की टीम है उन्होंने अर्जेंटीना को हराया था गाइस, एंड जापान ने जर्मनी को हराया था जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थिंग है।
यस, आपको कुछ एक्सेप्शन जरूर देखने को मिलेगा, बट ऑल टाइम ये सेम चीज रिपीट नहीं होगा। एंड मैं आपको ना आज एक्चुअल ट्रूथ बताता हूँ कि व्हाई आईसीसी नॉट इंक्लूड मोर टीम्स इन वर्ल्ड कप। बिकॉज अगर देखो, इंडिया वर्सेस कोई छोटी एसोसिएट टीम्स के बीच में एक मैच होगा वर्ल्ड कप में, तो ऑलरेडी ये मैच प्रेडिक्टेबल हो जाएगा कि ये मैच इंडिया ही जीतेगा। एंड जो कॉम्पिटिशन है, एंड जो वर्ल्ड कप में आप कॉम्पिटिशन देखना चाहते हो ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे आईसीसी को ना व्यूअरशिप में एंड ऑडियंस में ज्यादा दिक्कत आएगा। इसके कारण से आईसीसी नेवर इंक्लूड मोर टीम्स इन वर्ल्ड कप। बट ये जो स्टेटमेंट है, शायद आज से 2 साल पहले अगर कोई बोलता तो मैं मान लेता। एंड ये स्टेटमेंट आज के टाइम में भी ओडीआई क्रिकेट के लिए रिलेवेंट है, बट T20 क्रिकेट के लिए ये स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं है। अगर करंट सिनेरियो को देखें ना, 2022 वर्ल्ड कप में हमने कितना ज्यादा अपसेट देखा था। अगर मान के चलो फीफा ने भी मतलब एक कंपटीशन के बारे में ज्यादा सोचकर एशिया में एक स्लॉट कम देता तो शायद सऊदी अरब भी क्वालिफाई नहीं करता। एंड वो लेजेंडरी मैच बिटवीन सऊदी अरब एंड अर्जेंटीना के बीच में जो मैच हुआ था, वो मैच भी हमें देखने को ना मिलता। जो मेरा फर्स्ट लिस्ट है, मैं इससे एक ही बात आपको समझाने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ कि क्रिकेट में कंपटीशन है, नीचे टीम्स में कंपटीशन है, स्पोर्ट्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव करो। मतलब देखो, फुटबॉल जो स्पोर्ट्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे राउंड ऑफ 16 होता है, क्वालिफायर्स होते हैं, क्रिकेट में आपको क्वालिफायर्स देखने को नहीं मिलते, जो क्वार्टर फाइनल्स देखने को नहीं मिलते। तो मुझे लगता है कि क्वार्टर फाइनल्स को इंक्लूड करो, क्योंकि देखो क्वार्टर फाइनल्स है ना जो गेम है, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाता है, क्योंकि वो नॉकआउट मैचेस है। अगर मान के चलो आज के टाइम में जो अर्जेंटीना एंड सऊदी अरब के बीच में मैच था, वो लीग मैचेस ना होकर एक सेम एक क्वार्टर फाइनल्स का मैच होता, अगर राउंड ऑफ 16 का मैचेस होता तो शायद ये न्यूज बन जाता, पूरा हाईलाइट बन जाता पूरा विश्व में कि सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को नॉकआउट में हराया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सेम ही चीज क्रिकेट में करो। क्योंकि अगर देखो, क्रिकेट में भी कोई छोटी टीम्स जाके क्वार्टर फाइनल्स में जाके बड़ी टीम को किसी ना किसी तरह से हरा दे, वो भी सेम ही न्यूज बन जाएगा। तो यस, मेरा जो आज के वीडियो का जो मतलब कि कॉन्क्लूशन है, जो मेरा फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट है, मैं इससे एक ही बात साबित करना चाहता हूँ कि देखो, सभी स्पोर्ट्स में कंपटीशन जो है ना, वो टॉप 10 में हमेशा कंपटीशन ज़्यादा है। एंड नीचे की टीम्स कभी भी वर्ल्ड कप जैसे स्पोर्ट्स को जीतने के चांसेस बहुत ही कम होता है सभी स्पोर्ट्स में। बट इसके डर से टीम्स कम मत रखो, कॉम्पिटिशन ज़्यादा देखने के लिए ज़्यादा टीम्स लाओ, तभी एक स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलर बनता है। T20 वर्ल्ड कप में हमें 2024 से 20 टीम देखने को मिलेगा, बट 20 टीम से कुछ नहीं होगा, 24 टीम 32 टीम लाओ। तो इसके साथ मैं वीडियो को रैप ऑन करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।